उस वक्त हर कोई हक्का बक्का रह गया जब मुकेश अंबानी की जियो वर्ल्ड प्लाजा ओपनिंग सेरेमनी में सुमन गिल और सारा तेंदुलकर को एक साथ कैप्चर किया गया। हर कोई बस एक दूसरे को ही देखे जा रहा था कि आखिर अब आगे क्या देखने को मिलेगा। यह तस्वीरें दोनों के बीच काफी कुछ साफ करती नजर आ रही थीं। क्या वाकई में सारा और सुमन गिल एक दूसरे के लिए फील करते हैं या फिर यह महज एक अफवाह है। लेकिन तभी वो नजारा देखने को मिला जानकर आप भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मौका था मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड प्लाजा ओपनिंग सेरेमनी का, जहां पर देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आमंत्रित थे। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल भी पार्टी में सम्मिलित हुए। इसी पार्टी में सारा तेंदुलकर भी आई हुई थी, पर लोगों को इंतजार था सुमन गिल के साथ सारा के इंटरेक्शन का। वहीं इवेंट से लौटते वक्त सुमन गिल सारा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन सारा ने सुमन गिल की तरफ एक बार भी नहीं देखा और न ही बात की, बल्कि वह अपने दोस्तों के साथ बात करने में बिजी थी। यह सब देखकर सुमन गिल का दिल बैठा जा रहा था कि सारा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उनसे बात भी नहीं की, जिससे नाराज होकर सुमन गिल वहाँ से चले गए। आपको क्या लगता है, क्या सारा ने सही किया? कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।